कैसे इनवॉइस बनाएंगे? आपके लिए रख दिया था मैंने, इनवॉइस बनाया नहीं था। ऑर्डर्स, जब भी आपको कोई ऑर्डर्स आता है। अच्छा, ये मेरा नहीं है आईडी, मैं लॉग आउट करके मेरे ऑर्डर्स, चाहे वो किसी का भी होने दो, जी L1 का होने दीजिए या फिर डायरेक्ट परचेज होने दीजिए या फिर बीड होने दीजिए, सबका आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। इनवॉइस बनाने के भी कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला, आपको यदि ऑर्डर का वैल्यू ईयरली 30 लाख से ऊपर गया, या 20,000 है मुझे अभी याद, 20,000, 20 लाख, 20 लाख से ऊपर गया ईयरली, 20 लाख से ऊपर गया, तो आपको 0.5% जेम को देना पड़ता है, याद रखो। यदि ऑर्डर वैल्यू 20 लाख से ज्यादा हुआ या ईयरली 20 लाख से ज्यादा हुआ, तो जीएम को 0.5% ऑर्डर वैल्यू का देना पड़ेगा, वो एज ए सर्विस चार्ज। 20 लाख तक के लिए कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता जीएम को, पहला। दूसरा, यदि ऑर्डर आपका बिड से आया है तो, और वहां पे था इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी, बैंक गारंटी यदि था, तो जब तक बैंक गारंटी नहीं भरोगे ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं होगा। ये दो चीज का ध्यान रखो। तो डैशबोर्ड सेम, यदि मुझे जाना है तो डैशबोर्ड्स में, सॉरी ऑर्डर्स में, ऑर्डर्स में मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन आता है, तो मैंने एक्सेप्ट किया इसलिए मुझे ऑर्डर एक्सेप्टेड बता रहा है। मुझे इनवॉइस जनरेट करना है तो मैं कैसे करूंगा, व्यू डिटेल्स यहां से जाएंगे। देखो यहाँ पे जैसे गया है, यहाँ पे आ गया जनरेट, मुझे वेस्ट बंगाल से 3 ऑर्डर आए थे, टोटल इसके वैल्यू है 10,500 रुपया का, 10-3 DSC के ऑर्डर आए थे। आप इसके कॉन्ट्रैक्ट्स भी देख सकते हो, राइज अमेंडमेंट, कुछ अमेंडमेंट करना है तो मैं ऐसे अमेंडमेंट के लिए बोल सकता हूँ, डाउनलोड कॉन्ट्रैक्ट, मुझे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी दिख जाएगा। तो मैं यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, ठीक है, पुलिस फोर्सेस का है, पीएस डिपार्टमेंट से मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है। किसको मिला है, तो मुझे मिला है, ये मोबाइल नंबर, ये ईमेल आईडी, सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ऑर्डर देना है, यहाँ पे सब कुछ मुझे लिख के दे दिया है कॉन्ट्रैक्ट्स के ऑर्डर के साथ। तो मुझे अभी इसके इनवॉइस जनरेट पर करना पड़ेगा। इनवॉइस कैसे जनरेट करेंगे, जनरेट यहाँ पे इनवॉइस का कॉपी एक अपलोड करना पड़ेगा, तो मैं इसको एक वर्ड में बना देता हूँ, तुरंत एक इनवॉइस का कॉपी चाहिए आपके पास। प्रॉपर इनवॉइस रहा तो ज्यादा अच्छा है। इनवॉइस कॉपी, चलो मैं एक जनरल बना देता हूँ, ठीक है, अभी ये मेरे पहचान का है इसलिए मुझे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं। प्रिंट पीडीएफ में चाहिए अपलोड, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ या सेवेज पीडीएफ भी आता है, प्रिंट टू पीडीएफ, ओके। हाँ डेस्कटॉप, इनवॉइस कॉपी, डेस्कटॉप, ओके, ये मैंने पीडीएफ बना दिया। चलिए इसको नहीं करता हूँ, ओह गलत हो गया, हो गया है अपलोड, 506 मेरा नंबर है, तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर जो वहां पे डाला था, तो यहाँ पे क्या डाला था, 506 मैंने वहां पे डाला था, वो यहाँ पे नंबर, इनवॉइस का डेट आज का ही डाला था, मेरा बिलिंग एड्रेस, जो जो एड्रेस डाला है यहाँ पे सब एड्रेस, BR04, ये मेरा बिलिंग एड्रेस। डिस्पैच कब किया मैंने, तो 30 सात को ही मैंने आज ही डिस्पैच किया है। मोड ऑफ डिस्पैच कैसा है,
ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट मैनुअल कॉस्ट, कुरियर करेंगे तो कुरियर का डिटेल मैनुअल मैनुअल डाल देते। बैंक अकाउंट यहाँ पे डिटेल्स आ जाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पे किया था, बायर या कंसाइनी, तो कंसाइनी के लोकेशन पे जनरली हम लोग करते हैं। यहाँ पे कौन सा प्लेस ऑफ सप्लाई, कहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई किया, वेस्ट बंगाल। कंसाइनी का जीएसटी नंबर आ गया है, ये इंटरेस्टेड है, मेरा महाराष्ट्र है और हमने वेस्ट बंगाल में सप्लाई किया, तो ये क्या हो गया ऑटोमेटिकली इसने ले लिया इंटरेस्टेड। तो ये वे बिल है तो ये वे बिल अपलोड करना है, नहीं है तो छोड़ देंगे। इनवॉइस का कॉपी यहाँ पे अपलोड करना है, एड 5 MB के अंदर होना चाहिए पीडीएफ कॉपी। डेस्कटॉप इनवॉइस बोल के डाला था ना, इनवॉइस कॉपी मैंने डाल दिया। डालने के बाद उसको आपको अपलोड पे क्लिक करना, अपलोड कंप्लीटेड सक्सेसफुल। ओके अपलोड हो चुका है, अभी कितना है टैक्सेबल अमाउंट, सप्लाई क्वांटिटी 3 क्वांटिटी का बिल है तो 1050 आ गया। यदि जीएसटी वाला रहेगा तो यहाँ पे जीएसटी का परसेंटेज वगैरह आपको डिटेल्स में डालना है, डाल के आपका अमाउंट मैच करना, जैसे मैच हो जाएगा तो उसको प्रीव्यू देखो, यहाँ पे जीएसटी मेरा इनवॉइस जनरेट हो गया। इनवॉइस जनरेट होने के बाद इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, उसको जनरेट मुझे एक नंबर आ जाएगा, वो मेरे पास नंबर्स मुझे सिर्फ नोट डाउन करके रख सकते हैं। ये मेरा रेफरेंस नंबर आ गया, ये मेरा हो गया। ओके ये मेरे पास इनवॉइस जनरेट मैंने कर दिया। तो देखते हैं अभी ऑर्डर्स की स्टेटस क्या है, ऑर्डर डिस्पैच्ड। कभी कभी पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है समझो, कभी कभी ये ऑर्डर डिस्पैच होने के बाद भी बायर्स को नहीं दिखता कि काफी टाइम आया, बहुत सारे क्वेरीज आए, इसके ऑर्डर्स हो गया डिस्पैच पर बायर को नहीं दिखता। ऐसे में आपको क्या करना है, ऑल ऑर्डर्स पे जाके ऑर्डर्स में जाना है, जिसे यहाँ पे एक आपको मिलता है यहाँ पे आपको इन प्रोग्रेस नहीं, यहाँ पे कंसाइनी वाइज वगैरह डेट टॉप राइट देयर इज अ कंसाइनी वाइज ऑप्शन, टॉप राइट देयर इज अ कंसाइनी वाइज ऊपर ही है, ऊपर या टॉप राइट हियर हियर। हां हां यहां पे जाके आपको शिपमेंट वाइज में जाना है और यहां से आपको ओटीपी से वेरीफाई करना है। अभी यहां पे ओटीपी से कैसे, डीएससी से और ईसाइन से या ओटीपी से, ओटीपी पे डालते हैं, यहां पे एक ओटीपी आएगा, इससे आपको वेरीफाई करना है। ये वेरीफाई होने के बाद आपको ये दिखना चालू हो जाएगा। This OTP buyer side, right? नहीं नहीं सेलर साइड, अभी हम इसको ये कर रहे हैं। Okay. ये नहीं होने से बहुत प्रॉब्लम आ रहा है सबको, तो ये मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। अभी तक के क्लास में ये नहीं बता रहे पर ये इसके वजह से प्रॉब्लम आना चालू हो गया, इसलिए अभी ये क्लियर कर OTP verified successfully। पहले इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी, पहले सिर्फ रेलवे या फिर डिफेंस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उनको जरूरत पड़ रहा था, अभी हर एक डिपार्टमेंट को, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट को ये जरूरत पड़ने लगा। जनरली ये सेंट्रल गवर्नमेंट है तो जरूरत पड़ रहा है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट को इसकी जरूरत पड़ने लगी। तो डिपेंड करता है आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, तो उसके हिसाब से इसको देख लो। शिपमेंट वाइज में जाना है आपको उस ऑर्डर का और यहाँ पे इसको वेरीफाई करना, तो आपको अभी अपडेट डिलीवरी स्टेटस वगैरह सब कुछ पता चल जाएगा। डाउनलोड इनवॉइस कर सकते हैं, शिपमेंट स्लिप जो आपका आपने शिपमेंट किया है उसके स्लिप्स वगैरह यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब कुछ जनरेट हो जाता है। देखो ये सेलर डिटेल्स, शिपिंग डिटेल्स, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स रखना है तो आप डिटेल्स देख सकते हो,
सीआरसी जनरेट हुआ कि नहीं, पेमेंट मिला कि नहीं, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो जैसे ही आगे का प्रोसेस होता है मैं आपको वो भी बताऊंगा। यदि आपको रीजनरेट करना है तो आप यहाँ से रीजनरेट भी कर पाएंगे। तो ये प्रोसेस ध्यान दो, जैसे इनवॉइस होगा उससे आपको यहाँ पे आके ये प्रोसेस को कंप्लीट करना है। ये हर एक जगह पे नहीं, पर डिपेंड ऑन द डिपार्टमेंट। चलिए, कुछ क्वेरीज है इसके रिगार्डिंग तो पूछ, राम सर बोलिए। राम सर, हाँ सर, मुझे ये बताइए, जैसे ओटीपी से अपन तो वेरीफाइड करते हैं, हाँ, लेकिन डीएससी से वेरीफाइड करना कैसे, वो एक नया ऑप्शन है इसमें। हाँ, डीएससी से भी वेरीफाई कर सकते हैं, पर उसके लिए आपके सिस्टम का प्रॉपर सेटिंग होना चाहिए और ये क्रोम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको ब्राउजर बदलना पड़ेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे जाना पड़ेगा, इंटरनेट या मोजिला लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, मोजिला लेना पड़ेगा और प्रॉपर सेटिंग चाहिए सब कुछ, जैसे डीएससी टेंडर। मेरा सेटअप है ऑलरेडी, टेंडर का भी काम करता हूँ, तो ठीक है। तो उसके लिए मतलब बताएंगे ना वो कैसे करना है इसके लिए डीएससी से मेरे को। अब यहाँ से आपको लगाना है, यहाँ से डीएससी आपका ऐड होगा, जैसे कि आप ये टेंडर में करते हो सेम, वहां से वो वेरीफाई कर लेगा, बाकी कुछ अब सिंपल है ना। तो बायर को भी वैसे ही कर सकते ना, पर बायर को भी वैसे ही कर सकते है ना, ओटीपी लेने की जरूरत नहीं, फिर ओटीपी लेने की जरूरत। ठीक है, ओके। अमन सर, तो ये जो बताए थे आप 0.5% वाला, हाँ, तो ये तो कब देना होता, जब हम 20,000 का 20,000 से ऊपर का ऑर्डर हुआ तो, हाँ, 20 लाख तो ये तो जब हम ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे तब पे करना करेंगे होता है उसके बाद। हाँ, करने के बाद आपको इनवॉइस जनरेट करने को नहीं मिलेगा जब तक आप, हाँ, वो पेमेंट ऑनलाइन नहीं करोगे। सर ये बात हम नहीं समझे सर, एक बार प्लीज। सर आप ऑर्डर एक्सेप्ट करेंगे फिर आपको इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा, यदि आप इनवॉइस जनरेट तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक वो पेमेंट नहीं करेंगे 0.5%। अभी हम लोगों ने इनवॉइस जनरेट किया है ना, मैंने तो एक दो कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्ट किया था, तो एक्सेप्ट करने से पहले ही मेरे से पेमेंट कराया गया था जेम पे। नहीं, एक्सेप्ट होने के बाद ही आपको लिया जाता, उसकी ऑर्डर वैल्यू 30 लाख से ऊपर थी। हाँ, तो जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया तो वहां पे ही मुझे पे करना हुआ, तब एक्सेप्ट हुआ ऑर्डर। ओके, तो एनीवे शायद अभी इसमें कोई चेंजेस हुए हैं, तो हो सकता है कि पहले एक्सेप्ट होने के बाद यदि आपको इनवॉइस जनरेट करने को नहीं मिलता था, इनवॉइस तभी जनरेट कर पाते थे जब आप पेमेंट करते थे। एनीवे, आगे हो या पीछे, जैसे भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। विनोद सर, विनोद सर, हाँ सर, समझो अभी एक बीड में पार्टिसिपेट किया मैंने, मेरे को समझो ऑर्डर मिल गई, अभी हम, हाँ, बीड में पार्टिसिपेट किया, उसका इनवॉइस आया। हाँ, तो पहले उनकी ऑर्डर आएंगी क्या मेरे को? हाँ, ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आएगा, उसके बाद जो है सर उसके आगे की प्रोसीजर, मतलब मैं अपना प्रोडक्ट बेचने के बाद इनवॉइस जनरेट करूँ क्या, वही तब करना? हाँ, वैसे अभी जो उसके बाद यदि आपको ऑर्डर मिल गया, हाँ, तो आपको वो ऑर्डर में दिखना चालू हो जाएगा, फिर एक्सेप्ट करो और फिर आप इनवॉइस जनरेट करो, जैसे अभी मैंने किया वैसे ही सेम। इनवॉइस जनरेट करने के बाद प्रोडक्ट उनको भेज ऐसे के? हाँ, इनवॉइस जनरेट होने के बाद आपका आगे का प्रोसेस चालू हुआ। अच्छा, इनवॉइस को माल दिया है ऐसा, तब तक आपने उसको मटेरियल दिया नहीं, आपको ऑर्डर मिला है पर आपने उसको कोई मटेरियल डिलीवरी नहीं किया, उसको ऑर्डर मिला वो सही सलामत है, वो आपको पता चलता है सीआरसी जनरेट होने के बाद। यदि सीआरसी जनरेट हो गया दैट मीन उसको मटेरियल मिल गया और सब प्रॉपर में, तो वो सीआरसी जनरेट हो जाएगा। और उसके बाद जो पेमेंट है सर? हाँ, उसके बाद पेमेंट आएगा सीआरसी के बाद। पेमेंट जो मैंने इस पे जो डिटेल्स दे उसमें क्या ऐसा? अभी तक उसमें डिटेल्स में नहीं आता, आप डिटेल्स में भी आ सकता है, आप नॉर्मली पेमेंट के लिए उनको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स दे देते हो तो उसमें भी वो लोग पेमेंट करते हैं, अभी तक वो लिंक नहीं हुआ है पीएफएमएस से। राहुल सर, सर अभी जो एक ही ऑर्डर मेरा अगर 30 लाख का हो गया तो उसमें वो 20 लाख का कैसे कटिंग करेंगे वो? क्या बोले? सिंगल ऑर्डर हो गया तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा 0.5%। किस पर? 20 प्लस पर या पूरे 30 पर? पूरे पे, पूरे पे, पूरे पे, या 20 प्लस पर दो जो नहीं, नहीं, उस पूरे, पर आ जाते हैं पूरे पे लग पर, तो एकदम एकदम से नहीं ना? नहीं नहीं, यहाँ पे पूरे पे, फिर पूरे पे लगना चालू हो जाता। ओके, सौरभ सर,
सर ये जो 0.5% का कॉन्सेप्ट है ये सिंगल ऑर्डर जैसे अभी पूछ रहे थे दूसरे सर? नहीं, ईयरली 20 लाख। अच्छा ईयरली 20 लाख, तो अगर इसको क्रॉस करते हैं तो देना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव है ईयर, या फिर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में होने दो या ईयरली होने दो। अच्छा तो ईयर में जैसे अगर 20 लाख क्रॉस करते हैं तो वो उस समय फिर अगले ऑर्डर में वो जमा करना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। और सर थोड़ा सा मेरा स्क्रीन फ्रोज था जब आप इसका जो इनवॉइस जनरेटिंग का स्टेप बता रहे थे, तो आज या कल थोड़ा सा स्टेप भर बता दीजिएगा फिर से। नहीं सर ये रिपीट नहीं होगा, ये मैं आपके लिए ही क्लास के लिए ही रुका के रखा था, ये इनवॉइस का मेरे पास इतना प्रेशर था कि मैं आप लोगों को बताने के लिए था। सर इसका रिकॉर्डेड वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, इसलिए मैं रुका के रखा था कि मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, ये लाइव ही दिखा सकता था सर थोड़ी देर। दीपक सर एडवांस पेमेंट का ऑप्शन है? एडवांस पेमेंट का मतलब सर अब ऑर्डर डिस्पैच होने से पहले कुछ पेमेंट ले सकते हो, सीआरसी जनरेट होने से पहले? सीआरसी जनरेट होने से पहले आप पेमेंट नहीं ले सकते, यानी एडवांस पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। एडवांस हाँ आपको लोन मिल सकता है, यदि ये ऑर्डर मिला तो ऑर्डर के बेस पे आपको लोन मिल सकता है बैंक से। वो कैसे होगा सर? वो साहा से होता है, मैं आपको आगे बता देता हूँ, यदि आपको लोन चाहिए तो वो साहा एक ऐप है अभी नया, अभी उसमें आया है, साहा के थ्रू से आपको मिल सकता है लोन। बायर के थ्रू नहीं मिल सकता क्या कोई? बायर के थ्रू से नहीं, बैंक आपको लोन देती है, बैंक फाइनेंस करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली महीने का कुछ 3-4% से चालू है, अलग अलग बैंक अपना अपना आपको इंटरेस्ट दिखा देगा ऑर्डर जो आपके ऑर्डर से उसके अकॉर्डिंगली। आदित्य सर बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए सर। जी सर एक्चुअल में ये मालूम करना था कि जो पेमेंट टर्म्स हैं ये जेम की डिफाइन होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाइज वेरी करती हैं? बीड में कॉन्ट्रैक्ट में वेरी करता है, बाकी डायरेक्ट परचेज में जेम का इस मतलब कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। ओके, वो मतलब डायरेक्ट परचेज में एक ही टर्म्स है वो उसी पे रहेगी जनरली, वही टर्म भाई। देखो ये भी प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बदल सकता है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली। थैंक यू सर। सौरभ सर, सर ये अभी आई थिंक हम लोग केवल प्रोडक्ट की इनवॉइसिंग सीख रहे हैं, सर्विस का बाद में देखेंगे या दोनों का एक जैसा होता है? दोनों का एक जैसा होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है वहां पे। देखो यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे यदि ये 3 क्वांटिटी के ऑर्डर के जगह पे मैं अभी वहाँ पे कैसा होता है आपको कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का मिल जाता है सर्विसेज में जी, बराबर है, पर आप वहाँ पे बिलिंग कैसा करते हो? मंथली बिलिंग करते मंथली, वही कह रहा हूँ सर, वही कह रहा हूँ। तो यहाँ पे मान लो मुझे ये ऑर्डर सोचो कि 3 लॉट में देना है, जनवरी में एक देना है, फरवरी में एक देना है, मार्च में एक देना है, तो मैं जब ऑर्डर बनाऊंगा तो 1 का बनाऊंगा, अगले महीने फिर से 1 का बनाऊंगा और उसके महीने पर बाद में 1 का बनाऊंगा, तो मेरे पास सिंगल इनवॉइस कैसे होंगे, ये 3 पार्ट में टूट टूट के जाएंगे। अच्छा तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट भले ही साल का हो बट वो हाँ। जो ऑर्डर बनाएंगे वो माने जैसा पेमेंट हर, हर महीने महीने आपको बनाते जाना है। अच्छा अच्छा, ऑर्डर तो बायर बनाएगा ना कोई? ऑर्डर्स नहीं, एक बार आपको मिल गया ऑर्डर्स ना तो आपको सिर्फ इनवॉइस हर महीने में इनवॉइस जनरेट करते जाना है। अच्छा तो क्योंकि जैसे सर्विसेज केस में कैसा होता है कि पोस्ट डिलीवरी ऑफ द थिंग्स हम जनरेट करते हैं कि डिलीवर सर्विस कर दी अब हम इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, तो कोई डॉक्यूमेंट चाहिए रहेगा क्या? डिलीवरी से पहले करना है, डिलीवरी के पहले आप इनवॉइस, अभी आप ये गवर्नमेंट का छोड़ दीजिए, मैं अजय बोल रहा हूँ, आप क्या डील करते हैं? नॉर्मली तो एडवांस में ही करते हैं, यहाँ से एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी जा रहा है तो आपको फिर ये भी जनरेट करना पड़ेगा। हाँ लेकिन सर्विसेज के केस में सर जैसे एएमसी दिया, माने एएमसी दिया तो उस महीने का जब एएमसी कंप्लीट हो जाता तब करेंगे, हाँ तभी करेंगे, बराबर। तो हमें बायर साइड से कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है क्या? नहीं, हर महीने आपको वहाँ पे पूरे हर महीने का लिस्ट आ जाएगा आपके पास, हर महीना जाना है कितना मैन पावर, यदि मैन पावर है तो मैन पावर कितना सप्लाई किया वो डिटेल्स डालना है, सबमिट करना है, उसके हिसाब से इनवॉइस जनरेट कर देना है। ओके ओके
विनोद सर, सर समझो अभी इनवाइस जनरेट करने के बाद जो डिलीवरी देनी होती है उस टाइम अपना कुछ डिस्प्यूट हो गया, समझो उनको सप्लाई नहीं हुआ, तो उसके बाद में एक्शन बायर लेता कि जेम पे कुछ जेम पे जेम कुछ नहीं करता, जो भी लेना है वो सब बायर ही करता है। सोनू सर बायर, हेलो, हाँ एक मिनट सर, पता है सर, मेरी खत्म नहीं हो रहा। विनोद सर बोलिए, बैंक अपने को फाइनेंस करती हो अपने जो ऑर्डर पे कर... क्या ठीक है, सोनू सर बोलिए। सर मैं कहना चाहता हूँ जैसे इनवॉइस हम एडिट कर सकते हैं सर, इनवॉइस आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पे रीजनरेट का ऑप्शन, ये नहीं सर जो ओरिजिनल इनवॉइस हम अपलोड करते हैं उसको बोल रहा हूँ मैं सर, नहीं वो नहीं होगा ना, वो बाद में नहीं कर सकते। ओके जी, राम सर, राम सर हेलो सर, हाँ मेरा कहना यह है कि जैसे रूल के हिसाब से बिल इनवाइस जनरेट किया अपन ने, बायर को कंफर्म हो गया कि आ रहा है करके प्रोडक्ट, हाँ। उसको कितने दिन बाद डिलीवरी देनी है, वो जो रूल्स रहते हैं डिलीवरी कितने दिन के बाद देनी है, मतलब प्रोडक्ट उसको कितने दिन में इनवाइस जनरेट हो गया, प्रोडक्ट हाँ। कितने दिन में उसको मतलब सप्लाई करना है आपको ऑर्डर, जिस दिन आपको एक्सेप्ट, देखो जिस दिन ऑर्डर मिला उसके 72 आवर्स में आपको ऑर्डर एक्सेप्ट करना है, बराबर है, उसके बाद आपको दिल्ली उसमें लिखा रहता है जो 15 दिन के अंदर आपको ऑर्डर उसको पहुंचना चाहिए, 15, 25, 30 में डिपेंड करता है प्रोडक्ट के बाय प्रोडक्ट के ऊपर, तो उतने दिन के अंदर उसको मिल जाना चाहिए, ये प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बदलता है, जनरली 10 दिन से 15 दिन के 15 दिन कम से कम टाइम रहता है, 15 दिन अगर बायर समझ लो बायर ने ऑर्डर डाला, सेलर ने एक्सेप्ट भी किया और बाद में बायर को लग रहा है कि नहीं मेरे को ऑर्डर कैंसिल करना, तब कर सकते हैं क्या, बायर्स कैंसिल कर सकता है क्या ऑर्डर एक्सेप्ट करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद ना, हाँ हाँ एक्सेप्ट करने के बाद शायद नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा इसमें डाउट था, मैंने कभी ऐसा करके देखा नहीं है, पर शायद नहीं कर सकता, हाँ क्योंकि समझो बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, नहीं लेना है बाद में वो प्रोडक्ट, नहीं क्योंकि कैंसिल करना है, नहीं मुझे एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकता, पर मुझे ऐसा लगता है कि कैंसिल नहीं कर सकता एक्सेप्ट करने के बाद, पर बोल नहीं सकता मैं इसमें, अभी कभी ऐसा ट्राई करके देखा नहीं, ओके एक्चुअली डिपार्टमेंट में हमारे होता है ऐसी बात, लेकिन हमें उसका पूरी तरह ये नहीं मिला, जैसे इसमें टेंडर में बाकी बाकी है इसमें ऐसा कुछ है क्या, बाकी मैं वही बोला सर, मैं कंफर्म है क्योंकि एक्सेप्ट करने के बाद मैंने कभी देखा नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में 100% श्योर नहीं हूं, पर शायद नहीं कर सकता, शायद सर बिट्स में तो कर सकते हैं कैंसिल, क्योंकि कैंसिल हो जाता है, डायरेक्ट ऑर्डर में बोल रहा हूं, हां डायरेक्ट डायरेक्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं अपन, हां हां डायरेक्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑर्डर की बिड में तो कर सकते हैं, कभी भी कैंसिल हो सकता है बिड में तो, हां बिड में तो करेंगे, लेकिन इसमें डायरेक्ट में पता नहीं, यदि कर सकते हैं तो वहाँ पे आपको ऑर्डर का डिटेल्स मिलेगा, वहाँ से आपको कैंसिल का ऑप्शन मिला तो कैंसिल कर सकते हैं, नहीं मिला तो नहीं कर सकते, हमने ऐसा कभी करके देखा नहीं है कि छोटी सी चीज थी, मैंने हमने कभी ऐसा ट्राई करके नहीं देखा, इसलिए मैं इस पे कंफर्म नहीं हूँ। नेक्स्ट और किसको क्या बोली, हाँ बोलिए जी, कर सकते हैं ऑर्डर कैंसिल एक्सेप्ट करने के बाद चलेगा, यदि कर सकते हैं तो हो जाए, मैंने खुद किया था, किया है ना, ओके तो कर सकते, मैंने किया नहीं है इसलिए मैं इस पे कंफर्म नहीं, मेरे हिसाब से भी इतना कर सकता, बाकी यदि किसी ने किया है तो कर पाएंगे, बीड में तो कर सकते हैं, वो तो हर किसी लगता है हर हमेशा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, और किसको कुछ पूछना है या कुछ क्वेरी है सर? हाँ सर, डायरेक्ट परचेज और 11 परचेज दोनों में इनवॉइस से ही होता है, सब में हर एक चीज में इनवॉइस, बीड में से कोई भी परचेज ऑर्डर मिला तो इनवॉइस बनाना पड़ेगा, ठीक। विनोद सर, विनोद सर सर